हे फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्णा लोहान स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि बीए की फर्स्ट ईयर है या फिर जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डेली मैं वीडियोस डाल रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स साथ में पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से उनको डाउनलोड कर सकते हैं बाय कॉपी पेस्टिंग ऑफ at any browser. Okay, now today we are going to understand the lesson The Child. The Child is written by Munshi Premchand. Okay, he was the best, he was the famous writer of the modern literature. Okay, या यूं कही आपकी जो आधुनिक है साहित्य इनके द्वारा ही शुरू हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो नॉवेल्स लिखे हैं, उपन्यास इनके बहुत अच्छे थे, उसमें से एक है नॉवेल का पार्ट द चाइल्ड। आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय प्रेमचंद। दिस स्टोरी द चाइल्ड इज रिटन बाय प्रेमचंद। इट्स अ वेरी वेरी इजी स्टोरी। ओके, इन द स्टोरी अ सर्वेंट नेम्ड गंगू। The hero of the story is Gangu. Okay. Is one who considers himself as a Brahmin. Gangu जो है एक व्यक्ति होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो अपने आप को बताता है कि वो एक ब्राह्मण है. Okay. He is different from many other servants in the household works. वो क्या है, अन्य नौकरों से अलग होता है, यानी उसका बिहेवियर, उसका नेचर अन्य नौकरों से जो है अलग होता है। ही इज लेजी बाय नेचर, यानी स्वभाव से वो क्या होता है, आलसी होता है। एंड डजेंट बियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल ब्राह्मिन, और वो नहीं लेता है या वो एक्सेप्ट, या आप यूं कहिए कि वो लायक ही नहीं होता है उन विशेषताओं की जो कि एक आइडल ब्राह्मण की होती है। ठीक है, ही डजेंट बियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल ब्राह्मिन, या इसको आप और शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ही वॉज नॉट एबल टू बी कॉल्ड अ ब्राह्मिन। ओके, वंस ही गोज टू द नरेटर, यानी कि वो नरेटर के पास जाता है। अब मैंने आपको बताया कि इसका नरेटर कौन है, इसका नरेटर है मुंशी प्रेमचंद। ही वॉज ए फेमस राइटर। आप ये भी लिख सकते हो, जो स्टार्टिंग लाइन्स है वहां भी आप लिख सकते हो सेंटेंसेज में। ओके, वो जाता है नरेटर के पास, यानी कि प्रेमचंद के पास जाता है इन प्राइवेट, यानी कि सीक्रेटली जाता है, यानी कि एक जो मीटिंग होती है, कोई भी बात डिस्कस करनी होती है उसके लिए वो नरेटर के पास जाता है। ही हैजिटेट्स टू स्पीक, बोलते हैं वो क्या होता है, हैजिटेट होता है। ओके, द नरेटर थिंक्स दैट, अब जो नरेटर है वो सोचता है, अब जो मालिक है वो क्या सोचेगा कि भी पैसे मांगने आया होगा या छुट्टी मांगने आया होगा या फिर किसी की शिकायत करने आया होगा, ऐसी चीजें होती हैं। द नरेटर थिंक्स दैट ही मस्ट हैव कम, कि वो जरूर आया होगा, या तो आस्क फॉर मनी, टू आइदर आस्क फॉर मनी पैसे के लिए, और टू कंप्लेन या फिर कंप्लेन करने के लिए अबाउट अनदर सर्वेंट। Having said, जैसे कि मैंने आपको कहा, he must have come to either ask for money or to complain about another servant. Okay. Now, but the narrator is surprised. अब जो narrator है, जो प्रेमचंद जी हैं, वो क्या हो जाते हैं, surprised हो जाते हैं, हैरान होते हैं जानकर, यानी क्या जानकर, अब देखते हैं उसने ऐसा क्या कहा जिससे कि प्रेमचंद जी जो है surprised हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। When Gangu states that, जब Gangu बताता है या अपनी बात रखता है, states means बात रखना या कहना, that he wants to leave, कि वो छोड़ना चाहता है, जाना चाहता है, the job, नौकरी को, because to marry गोमती देवी, यानी कि वो अब शादी करने जा रहा है गोमती देवी से, इसलिए वो क्या है, नौकरी को छोड़ना चाहता है। कोई तो नौकरी, शादी करने के लिए नौकरी करता है और ये शादी करने के लिए नौकरी छोड़ रहा है, तो इसी से स्वभाव इसका क्या है, लेजी, यानी कि काम करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है।
अब गोमती देवी कौन है इसके बारे में जानते हैं, ये अगर आप सीक्वेंस में लिखते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है इंप्रेशन बना रहेगा। ही वॉन्ट्स टू लीव द जॉब बिकॉज ही मैरी गोमती देवी, शी इज कंसिडर्ड एज लो कैरेक्टर। वो औरत जो है एक लो कैरेक्टर की मानी जाती है, यानी लोग उसको किस नजर से देखते हैं, लो कैरेक्टर से देखते हैं। हैविंग टू हस्बैंड, यानी कि उसके कितने हस्बैंड थे इन द पास्ट, कितने थे, दो हस्बैंड थे। शी स्टार्टेड लिविंग इन द सेम स्ट्रीट, अब वो जिस गली में उसके हस्बैंड थे उसी गली में वो गंगू के साथ जो है रहना शुरू कर देती है। शी स्टार्टेड लिविंग इन द सेम स्ट्रीट, और मोहल्ला लिख सकते हो, बट गंगूज ओपिनियन इज डिफरेंट। जैसे कि अब पूरा समाज कहता है कि शी इज अ लो करेक्टर लेडी, बट जो गंगू है उसके जो व्यू है, ओपिनियन है, वो क्या होते हैं, इससे अलग होते हैं, वो इस चीज को मानता ही नहीं है। द नरेटर ट्राइज टू परसुएड हिम, अब जो नरेटर है उसको मनाने की पूरी कोशिश करता है, किसको, गंगू को, किस लिए, कि वो उससे शादी ना करे और जॉब ना छोड़े। ओके, बट ही डजेंट अंडरस्टैंड, लेकिन जो गंगू है वो नहीं समझता इस बात को, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और उसके विचार जो है गोमती देवी के लिए अलग होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनता है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अकॉर्डिंग दे विल बी सेपरेटेड सून। अब जैसा कि समाज में बताया गया है कि जो गोमती देवी है, लो करेक्टर है, ठहरेगी नहीं, पहले से उसके दो हस्बैंड है तो वो इसके पास कैसे रुकेगी। नरेटर ने उसको मनाने की कोशिश की, जो गंगू है नहीं मानता है, और वो ये सोचता है नरेटर की भी ये जल्दी ही जो है अलग हो जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम गोमती रन्स अवे, कुछ समय के बाद जो गोमती जो है भाग जाती है। एंड इट गेव नरेटर सेटिस्फेक्शन, और ये बात जो है उसके भागने की बात जो है नरेटर को क्या देती है, बहुत ही संतुष्टि देती है, यानी कि उसने जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी उसने कहा था वो साबित हो गया है। व्हाट डिड ही से, इट इज प्रूव्ड। ओके, गंगू हैज फेथ इन हर, अब गंगू को क्या था, गोमती देवी के अंदर बहुत ज्यादा फेथ था, वो उस पर इतना विश्वास करता था, वो किसी की बात सुनता ही नहीं था, उसको तो इतना विश्वास था कि वो वापिस आएगी। ओके, आफ्टर वन मंथ रिटर्निंग फ्रॉम नैनीताल, अब जो नरेटर है वो नैनीताल गया हुआ था, एक महीने के बाद जब वो वापिस आता है तो क्या देखता है, नरेटर सीज गंगू अगेन, नरेटर जो है गंगू को दोबारा देखता है। ओके, एंड दिस टाइम ही सीज गोमती, और इस बार वो क्या देखता है, देखो वो गया था जब तो सेपरेटेड दोनों, वो उसको छोड़कर भाग गई थी, अब जो नैनीताल से वापिस आता है तो क्या देखता है कि दोनों के दोनों साथ में है, कौन, गंगू और गोमती। ठीक है, ही सीज गोमती हैविंग अ बेबी, यानी उसके साथ अब तीसरा बंदा कौन है, बेबी, यानी कि उनका न्यू बोर्न बेबी विद हर। ओके, नरेटर ट्राइज टू प्रोवोक गंगू, अब जो नरेटर ट्राइज कर कोशिश करता है, प्रोवोक मीन्स भड़काने की गंगू को, बट ही इज फर्म इन हिज लव, यानी वो अपने प्यार में अंधा होता है, वो किसी की बात नहीं सुनता, ही इज फर्म इन हिज लव, मुहावरा है, ही एक्सेप्ट द चाइल्ड, वो चाइल्ड को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसे अपना बच्चा समझ लेता है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, जो गोमती पर विश्वास करता है और उसे फेथ है उसमें कि वो उसके पास वापिस आएगी और अच्छी तरह से दोनों क्या होंगे, सेटल भी होंगे। ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नरेटर करता है, गंगू ने तो उसको अपना लिया, अब नरेटर की बारी आती है, देखते हैं। चलिए, नाउ दिस टाइम गंगू एक्सेप्ट द चाइल्ड, यानी वो बच्चे को अपना लेता है, हालांकि वो बच्चा उसका नहीं होता है, द चाइल्ड वॉज नॉट हिज। ओके, चाइल्ड एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, गंगू जो है उस बच्चे को भगवान का तोहफा समझकर अपना लेता है। फाइनली सीइंग गंगूज फीलिंग, अब लास्ट में क्या होता है, ये बात अब डिपेंड करती है राइटर पर, यानी कि प्रेमचंद जी पे डिपेंड करती है कि वो अब इसके बाद क्या करेंगे। उसने गंगू ने तो उसको अपना लिया है, बच्चे को भी अपना लिया है। फाइनली सीइंग गंगूज फीलिंग, गंगू की फीलिंग, भावनाएं और विश्वास उसके अंदर, किसके अंदर, गोमती के अंदर देखकर जो नरेटर है स्टार्ट्स ब्लेसिंग द चाइल्ड, यानी ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद देना शुरू करता है बच्चे को। ही इज टच्ड एंड ऑफर्स जॉब्स टू हिम, वो क्या है, उसकी
भावनाओं से क्या हो जाता है। गंगू की भावनाओं ने जो नरेटर को अंदर तक छू लिया, ही इज टच्ड एंड ऑफर्स जॉब्स टू हिम, यानी कि उसको जॉब जो है, नौकरी जो है, उसको दोबारा ऑफर करता है कि अब तुम अगर सेटल होना चाहते हो, तुमने यही मान लिया है, तो तुम दोबारा नौकरी पर आ जाओ। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीक्वेंस में मैंने इसको आपके लिए लिखा है। तो अब आपका एक ही काम है, वीडियो से जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपके लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रही हूँ, आपके फायदे के लिए है, और साथ में इसको शेयर और लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई इश्यू है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स डाले हुए हैं, आपकी जो क्लास है उससे रिलेटेड, तो आप वहां से भी देखकर अगली वीडियो, अगले टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। कृष्णा लोहान, योर फ्रेंड, योर टीचर, इन्वाइट्स यू टू सी योर कंटेंट थ्रू माई वीडियोज। गुड लक।